मुजफ्फरपुर में एक बार फिर एयरपोर्ट की आस जग चुकी है, बातें शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, एनडीए की सरकार, और एनडीए की सरकार जब बिहार में थी उस समय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी थे, मंत्री थे बिहार सरकार में, एक बार फिर इन्होंने एयरपोर्ट की बात कही है। तो क्या लग रहा है, क्या एयरपोर्ट बनेगा मुजफ्फरपुर? देखिए, प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव में जब आए थे लोकसभा के चुनाव, तो पता ही एयरपोर्ट पर ही उनका कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम वैशाली और मुजफ्फरपुर दोनों के प्रतिनिधि जो कैंडिडेट थे उन्हीं के लिए वो कार्यक्रम वहीं पर बीच में आयोजित किया गया, इसलिए कि वैशाली और मुजफ्फरपुर के अंतिम मुजफ्फरपुर छोर पर वो पड़ता है, तो वो कार्यक्रम दोनों को लाभ मिले इसलिए वहीं पर किया गया था। उस फील्ड में फील्ड भी बड़ा था, इसलिए वहीं पर पब्लिक का डिमांड था। पब्लिक हमको कह रही थी कि आप प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि वो एयरपोर्ट के बारे में बोलें, तो हम उठे और साइड में जाकर के प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया कि पता ही एयरपोर्ट के बारे में बोल दिया जाएगा, सो यहाँ की जनता चाहती है कि पता ही में एयरपोर्ट हो। उन्होंने अपने जो भाषण क्रम में उन्होंने कहा कि पताही से हवाई जहाज उड़ान भरेंगे। उसके बाद में 2-3-4 महीने के बाद में हम लोगों ने प्रयास किया, उसका सर्वे हुआ, एयरपोर्ट बनाने वाले अथॉरिटी राइट्स ने वहाँ पर आकर के सर्वे किया, उसके पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। तो वो कहा कि भाई ये एयरपोर्ट 1250 यार्ड इसका रनवे है, इस रनवे में कोई बड़ा जहाज उतरने की बात असंभव है, नहीं हो सकता है। प्रपोजल उस एयरपोर्ट की जिसकी बात हम लोग कर रहे थे वो नहीं हो सकता था, ऐसा रिपोर्ट के आधार पर हुआ। तब चर्चा आई कि भाई 350 एकड़ जमीन चाहिए, उस पर सर्वे हो रहा, बिहार सरकार से मांगा गया, या इस बात आई, पेपर में आई, लोग पढ़े, तो 350 एकड़ जमीन वहाँ तो हो ही नहीं सकता है। उसके पश्चिम में तो नहर है, उसके बाद 4 लेन वाला रोड खुल गया, और पूर्व में अगर एक कॉलेज उलेज ले भी लिया जाए, हम लोग नारायणपुर जाने वाला अति तक भी चले जाएं, तब भी कितना 25-50 एकड़ जमीन और मिल जाएगा, इससे ज़्यादा तो 100 एकड़ है, 150 एकड़ हो जाएगा, 300 एकड़, 350 एकड़ तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर एयर कनेक्टिविटीज कायम करना चाहते हैं, और उसके आधार पर सिविल एविएशन से हुआ कि बहुत जगह बहुत ज़मीन सिविल एविएशन की पड़ी हुई है, उसमें पता ही भी एक है। तो रीजनल कनेक्टिविटीज एयरपोर्ट की बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं बराबर कह रहा हूँ कि रीजनल एयरपोर्ट ये बनेगा, रीजनल एयरपोर्ट ये बनेगा, और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसका जो टेंडर निकाला, टेंडर प्रक्रिया हुई, और उसके अंदर जो है सो प्राइवेट एजेंसी को एयरपोर्ट बनाने का दिया जाए। 8 एयरपोर्ट आपको यूपी में भी बन रहा है, 3 बिहार में भी आया है, 1 में तो पूर्णिया में तो काम भी शुरू हो गया, मालूम होगा आप लोगों को। अब दूसरा हुआ है कि मुजफ्फरपुर और भागलपुर, ये 2 एयरपोर्ट रीजनल एयरपोर्ट ये बनाने की बात तय हो गई है, और इसके सारी प्रक्रिया पूरा हो गया। ये P4 कंपनी को इस काम को करने के लिए अधिकृत किया गया है।
हमारी पी पोर्ट कंपनी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से बात हुई तो हुआ कि अब इसमें कोई अति नहीं है, इस महीने में ये लोग जाएंगे सर्वे कर करके शिलान्यास की प्रक्रिया होगी। तो आप देख रहे हैं रोज उसके आदमी आ रहे हैं सिविल एविएशन के अति के इसके उस जिसको टेंडर मिला है वो रोज जा कर के वहाँ नापी जोखी कुछ कुछ कर ही रहा है। तो एयरपोर्ट यहाँ बनेगा और उस एयरपोर्ट में 40 से 48 सीटर फ्लाइट वो रहेगा, उसके लिए जो रनवे है वो सफिशियंट है, उसमें बहुत ज़मीन लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी बहुत होगी तो वहाँ के लोग देने के लिए भी तैयार हैं। और इसमें एक ज़्यादा एडवांटेज ये आया है पहले में और इसमें कि ये एयर फ्लाइट जो होगी अगर पैसेंजर यहाँ से मिलेगा तो ये दिल्ली भी जा सकती है, कलकत्ता तो जाएगी ही, तो दिल्ली कलकत्ता माने बनारस ये सब जगह पर जाएगी और ये इकोनॉमिक इसका फ्लाइट है, इसके भाड़े भी कम होंगे, समझे ना। तो ये आ रहा है इसका, अब इसमें कहीं से भी कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है कि एयरपोर्ट अब नहीं बनेगा, पता ही एयरपोर्ट वैशाली जो पर्यटन स्थल डेवलप कर रहा है, बुद्ध की अस्थि कलश वैशाली में स्थापित होने जा रहा है महीना दो महीना में, आप सुने भी बिल्डिंग उसका बन के तैयार हो गया, कितना एकड़ में उसका सब तैयारी हुआ है। तो ये जो है सो एयरपोर्ट चालू करना लहज जरूरी है और इस पर इसका फाइनल तैयारी हो चुकी है। अच्छा, राजद के लोग कह रहे हैं, मंत्री हैं, आईटी मिनिस्टर वो भी कह रहे हैं, मुन्ना यादव ने भी कहा कि चुनावी जुमला है, 2024 लोकसभा आ रहा है इसलिए आप लोग चुनावी जुमला तैयार करके दिखा रहे हैं। वो लोग चुनावी जुमला समझता है और वो लोग तो देखिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट बिहार सरकार दरभंगा को एम्स का दिया था, समझा ना, और वो लोग तो उसको जुमले बना लिया, सरकार तो उस पर सब कुछ कर चुकी थी। तो इन लोगों को सरकार के काम, केंद्र सरकार के काम में आलोचना करना है, करना धरना कुछ नहीं है, तो इनके पास आलोचना के अलावा कुछ है नहीं। एम्स को बंद हो गया, दे दिया वो चौड़ का जमीन, 30 फीट गड्ढा जमीन है, पानी लगा हुआ है पूरा जमीन में, उसमें 10 मंजिला एम्स बनेगा क्या, आप सोच सकते हैं, नहीं बनाना है। वो चाहेंगे भी, वो काहे को चाहेंगे कि एयरपोर्ट बने और उनका उनका अति हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का गाड़ी कोई रोकने में सफल नहीं होगा, यशमेक जग का घोड़ा है इसको कोई नहीं रोक सकता है, बनबे करेगा, देख लीजिएगा, और शिलान्यासों इसी महीने में हो जाएगा, हवाई जहाज उड़ा करके आईटी मिनिस्टर साहब को हम अपने जोड़े बैठा करके दिल्ली ले जाएंगे, समझे ना। हाँ, ये वो भी मेरा अपना ही आदमी है, बाहरी आदमी नहीं है, आईटी मिनिस्टर हमारे क्षेत्र का है, अपना वोटर है, हम उसको अपने जोड़े बैठा के ले जाएंगे दिल्ली, तब वो कहेगा कि हाँ बन रही कि ना बन रही। अच्छा, इसका एयरपोर्ट अगर बन जाता है मुजफ्फरपुर में, क्रेडिट किसको देंगे? मोदी जी तो क्रेडिट में, वो नेशनल स्तर पर, लोकल स्तर में अगर आप कहें, आप शुरू से लगे हुए हैं, तो क्रेडिट क्या आपको मिलता है? तो हमारा अलावे केकरा क्रेडिट ही मिलता है, शुरू से लगली हम आ क्रेडिट ले जाए दोसर आदमी, पूछिए ना उससे, वो सबसे पूछिए, ये हमरा से काले पूछ रहे हैं, तो ये हटा हुआ ही बात के क्रेडिट जनता देते ही। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले फ्लाइटें उड़ना शुरू हो जाएंगी, ऐसा विश्वास, काम शुरू हो जाएगा। तो देखिए, एयरपोर्ट बनाने में इनको 6 महीना समय चाहिए, 6 महीना में ये लोग एयरपोर्ट को, रनवे को और उसके जो ये हैंगर वगैरह सारी व्यवस्था को, बिल्डिंग शुरू हो जाएगा, मुमकिन है कि फ्लाइट उड़ जाए, मतलब काम तो शुरू हो जाएगा ना 24 के पहले। हाँ। हम लोग उड़वा के रहेंगे, समझे ना।
तो देखिए, एयरपोर्ट उड़ेगा 2024 चुनाव के पहले, जो पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर किया है कि सारी चीज़ें हो गई हैं, जो एविएशन मिनिस्ट्री है वो भी काम कर रही है और जो निजी कंपनी जिन्हें टेंडर दिया गया है वो भी लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। इसी महीने में या अगले एक दो महीने में शिलान्यास की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शिलान्यास भी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सपना आपका था कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बने, जो हर मुजफ्फरपुर वासियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इकोनॉमिकली भी हम शर्मा जी डेवलप करेंगे इससे। देखिए, महावीर की जन्मस्थली, बुद्ध की कर्मस्थली, हमारी माता सीता का गेटवे, भगवान राम और लक्ष्मण जी जो आए थे जनकपुर, जायद विश्वामित्र मुनि के साथ तो वैशाली में रात में रुके थे, रामकुटी में, इससे बड़ा महत्व का जगह क्या हो सकता है? रामायण सर्किट से सब जुड़ रहा है, तो ये एयरपोर्ट जो है ये तो सबको यही ना एयरपोर्ट लाभ पहुंचाएगा, इसलिए जो है से इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है इस एयरपोर्ट को। ये दरभंगा मत बुझिए, ये समझिए कि उत्तर बिहार का नाक होगा, और रक्सौल में भी इसका अथी हो रहा है, समझे ना, नेपाल का इसमें रेड जोन में है, इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट के व्यू से भी इसका सारा अरेंजमेंट ज़्यादा मुस्तैद होगा और बिहार सरकार को भी इसके लिए एग्रीमेंट किया गया है। तो चलिए क्लियर हो जाइए, कंफर्म हो जाएं, जैसा कि पूर्व मंत्री जी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट अब बन जाएगा। जो भी पशुपेश की स्थितियां थी, जो कंफ्यूजन था, वो आज इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो विपक्षी भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, हालांकि कनेक्टिव एयरलाइंस यहाँ से खुलेंगी और कनेक्टिविटी जो पूरे देश में एयरलाइंस की बनाई जा रही है उसमें मुजफ्फरपुर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो बने रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9939375311। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।